अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप रिटायरमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम रिवैल्यूएशन विद गुडविल का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि बी कॉम के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सेकेंड ईयर कॉमर्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुके हैं और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स जो अब पार्ट टू में हैं, उन्होंने अगर मेरी लास्ट टाइम वाली रिवैल्यूएशन की वीडियो देखी हो जिस क्वेश्चन पर मैंने लेक्चर बनाया था लास्ट ईयर, वही क्वेश्चन सेम टू सेम अल्हम्दुलिल्लाह आपके एग्ज़ाम में आया था। सो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझें और देखेंगे किस तरीके से आपकी चीज़ों की वर्किंग होती है। तो अगर इसके अंदर आगे जाकर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं, आबिद, बाबर, चांद एंड दरमान चार पार्टनर्स हैं ऑफ अ फर्म हैविंग देयर शेयरिंग रेशोज 2:3:1:4, यानी कि सम ऑफ रेशो आपका हो जाएगा 10 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट इतनी क्या है कि ऑन दिसंबर 31 को एसेट में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ऑफिस सप्लाईज है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, ट्रक है, और इक्विटीज में अकाउंट पेबल है, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, लोन पेबल है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है 500 रुपये का, आबिद का कैपिटल है, बाबर का कैपिटल है, चांद का कैपिटल है और दरमान का कैपिटल है और टोटल आपके पास गिवन है। कह रहे हैं बाबर सर्वड अ नोटिस टू ऑल द पार्टनर फॉर विदड्रॉल ऑफ हिज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। ये जो आपका पार्टनर है बाबर, जिसका कैपिटल है 70,000, इसने तमाम पार्टनर्स को एक नोटिस दिया कि भाई मैं आपके बिजनेस से विड्रॉल कर रहा हूँ, यानी कि रिटायर हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। ऑल द फोर पार्टनर आर एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग, चारों पार्टनर्स ने कुछ चीज़ों पर एग्री किया, वो क्या चीज़ें थी एग्रीमेंट समझ लें। दैट द फॉलोइंग एसेट वर रिवैल्यूड एज अंडर, कुछ एसेट हैं उनकी रिवैल्यूएशन होगी, ठीक है ना। तो टोटल एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल विल भी कितने हो जाएंगे, 900 रुपये के हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपने जो कलेक्शन करनी है अकाउंट रिसीवेबल की वो 20,000 करनी है, लेकिन उस पर जो अनकलेक्टेबल होंगे उसमें से 500 रुपये बैड डेट्स पहले से था, टोटल कितने हो जाएंगे, 900 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मजीद बढ़ जाएगा 400 रुपये से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज कंसिडर्ड टू बी वर्थ रुपीज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो कंसिडर्ड की जाएगी कितनी, 38,400 की। हालांकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी 30,000 की थी, इसका मतलब रिवैल्यूएशन में मार्केट के हिसाब से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, ओनर कह लें या पार्टनर्स कह लें उनकी इक्विटीज़ के अंदर इंक्रीमेंट हो गया। इक्विपमेंट रिड्यूस हो गया, 15,000 रुपये से इक्विपमेंट 80,000 का था, 15 से कम हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 65 हो जाएगा। फर्नीचर जो है वो 7,000 रुपये से रिड्यूस हो जाएगा, तो वो 45 का था, 38 हो जाएगा। टू रिड्यूस द ट्रक को वो 10% से रिड्यूस करेंगे, तो 130 का 10% निकालना पड़ेगा। दैट द एस्टिमेटेड गुडविल, एस्टिमेटेड गुडविल जो है वो 70,000 है, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगा। दैट द पार्टनर बाबर विल पेड बाय द फर्म, फर्म इसको 30% इन कैश देगी, ठीक है ना, टोटल कैश का 30%, एंड द बैलेंस इन 3 quarterly इंस्टॉलमेंट, और जो बाकी का अमाउंट बचेगा वो 3 quarterly इंस्टॉलमेंट में इसको पे किया जाएगा, या आप कह लें कि 3 months बाद पे किया जाएगा, सॉरी हर 3 महीने बाद एक एक इंस्टॉलमेंट जो है वो बना कर दी जाएगी और उस हिसाब से इनको पे किया जाएगा। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि आप रिवैल्यूएशन और गुडविल की एंट्रीज बनाएं, रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बनाना है और उसकी एंट्रीज भी बनानी है, तो ये तमाम एंट्रीज आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपके पास, उसने क्या बात बोली थी, उसने ये बोला था कि आपके पास अनकलेक्टिबल अकाउंट 900 होंगे, पहले से 500 थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास मजीद बैड डेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट एज एन टेम्पररी अकाउंट एक्सपेंस की जगह यूज़ होता है, तो उसको डेबिट कर देंगे, या 900 लिख दिए, ये सॉरी 500 पहले से था, 400 रुपये से बनेगा, तो टोटल 900 हो जाएगा, ठीक है ना। ये करेक्शन कर लिएगा, ये 400 रुपये से एंट्री बनेगी टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड अनकलेक्टिबल अकाउंट, ठीक है ना। 500 पहले से था, आपको कहा कि 900 हो जाएगा, इसका मतलब इजाफा इस बार कितने का हुआ, 400 का हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो 30,000 थी, 38,400 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, 8,400 रुपये से इंक्रीज हो जाएगी। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको गेन होगा क्रेडिट टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री।
इक्विपमेंट जो है वो 15,000 रुपए से रिड्यूस होगा, इसका मतलब इक्विपमेंट एसेट एसेट कम होता है, क्रेडिट रिवेल्यूशन अकाउंट लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड द रिवेल्यूशन ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद फर्नीचर आपको कहा कि 7,000 रुपए से रिड्यूस होगा, तो फर्नीचर एसेट है कम होता है, क्रेडिट होता है, रिवेल्यूशन अकाउंट टेम्पररी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड द रिवेल्यूशन ऑफ फर्नीचर। ट्रक को उसने कहा कि ये 10% से रिड्यूस होगा, 130,000 रुपये का 10% 13,000 होता है, तो ट्रक एसेट है, एसेट कम हुआ क्रेडिट और रिवेल्यूशन अकाउंट एक्सपेंस बढ़ गया यानी कि लॉस कह लें तो वो हो गया डेबिट। ठीक है जी, ये तमाम आपने रिवेल्यूशन की एंट्रीज यहाँ पर बना ली। उसके बाद आपको 70,000 रुपये की गुडविल की विन थी, वो 70,000 रुपये की गुडविल एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, सब पार्टनर्स में बांटेंगे तो सबका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल में यानी कि उनकी इक्विटीज़ में इजाफा हो जाएगा। आबिद का शेयरिंग रेशियो 2:10 में से, बाबर का 3:10, चांद का 1:10 और दरमान का 4:10, तो आबिद को 14,000, बाबर को 21,000, चांद को 7,000 और दरमान को 28,000 का की गुडविल मिलेगी टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल से आप नरेशन कोट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है जो रिवेल्यूशन अकाउंट है या लॉस कह लें वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले रिवेल्यूशन का टी अकाउंट बना लें, जो कि उसने हमें बोला भी था कि आप बना लें। तो रिवेल्यूशन अकाउंट एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट, तो ये एक टेम्पररी अकाउंट है। अगर इसका बैलेंस क्रेडिट डेबिट साइड ज़्यादा है तो इट मीन्स आपको लॉस है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, बच्चे शुरू शुरू में कन्फ्यूज हो जाते हैं। और क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा बैलेंस है तो ये आपके पास आता है गेन, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि सबसे पहले रिवेल्यूशन अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट यानी कि अनकलेक्टिबल की वजह से 900 का डेबिट हुआ था, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वजह से क्रेडिट हुआ था, फिर इक्विपमेंट की वजह से डेबिट, फर्नीचर की वजह से डेबिट, ट्रक की वजह से डेबिट हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस साइड का टोटल कितना हो गया, 13,700 या आपका 20,000 हो गया, 1535 और 900 टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट्स मिलाया जाएगा, ठीक है ना। तो 500 पहला वाला और 400 बाद वाला, तो ये कितना हो जाएगा 35,900, उसमें से क्रेडिट साइड 8,400 माइनस करवाएंगे, ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, माइनस करवाया तो 27,500 आएगा, तो जो कि डेबिट बैलेंस को ही रिप्रेजेंट एक्सेस करेगा, तो अगर डेबिट बैलेंस में ज़्यादा आया तो लॉस होगा, तो वो लॉस सब में बटेगा, लॉस की नेचर डेबिट होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो कैपिटल सबके कम हो जाएंगे अपने अपने रेशियो से, और रिवेल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 27,500 से, 2 के रेशियो से आबिद को मिलेगा 5,500, चांद को मिलेगा 8,250, बाबर को मिलेगा 8,250, चांद को मिलेगा 2,750 और दरमियान को 11,000 रुपये का लॉस मिलेगा टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर की एंट्री नरेशन आप लिख लेंगे। उसके बाद आपकी जो लास्ट एंट्री बनेगी बाबर के कैपिटल की, क्योंकि बाबर हो रहा था रिटायर तो बाबर का कैपिटल हो जाएगा डेबिट। बाबर का कैपिटल कितना था, 21,000 का उसको क्या मिला, गुडविल, जिसकी वजह से उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया, और 8,250 रुपये का उसको मिला लॉस, ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से उसका कैपिटल कम हुआ। तो आपने इसको कंप्यूट किया तो 82,750 आपके पास क्या आया, इसका एंडिंग कैपिटल आया, एग्रीड कैपिटल आया, जो कि इसको दिया जाएगा। तो कहा कि इसका जो भी कैपिटल है वो 30% इन कैश दिया जाएगा, जिसके टोटल कैपिटल का यानी कि 82,750 का 30% निकाला तो 24,825 इसको कैश से दिया जाएगा, और बाकी 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे आप वादा कर रहे हैं कि हम इसको पे करेंगे, तो आपके लिए लायबिलिटी है, तो नॉट पेबल क्रेडिट हो गया। तो 82,750 में से ये रिमेनिंग कैश या 70% कह लें उसका, वो कितना बनेगा, 57,925, ये आप देंगे उसको किससे, 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ बाबर से आप नरेशन बना लेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।